हाँ तो कैसे हैं भाई आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। 10+2 लेवल का जो इंटर स्तरीय है सेकंड भर्ती आए हुए थे बिहार एसएससी में, उसको लेकर बहुत सारे इंतजार कर रहे हैं इसके एग्जाम कब होंगे, इसमें कोई अपडेट नहीं आ रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी पर बात करने वाले हैं। वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यदि आपको अपडेट नहीं मिलते हैं तो आप लोग थोड़ा सुस्त पड़ जाते हैं तैयारी को लेकर। हो सकता है एग्जाम होंगे नहीं होंगे, कब होंगे कैसे होंगे, तो आप लोग को यहाँ पे बता दें कि बिहार एसएससी की तरफ से अपडेट आपको देखने को मिले थे, बहुत ही लेटेस्ट अपडेट मिले थे आपको बहुत कुछ दिन पहले ही। तो उसी को लेकर हम लोग बात करने वाले इस वीडियो में कि आगे आपके एग्जाम डेट कब होंगे, एग्जाम की तैयारी आप लोग किस तरीके से करनी है, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में जानने वाले। वीडियो आप लोग आखिर तक जरूर देखें। मेरा नाम है विजित मिश्रा, आप देख रहे हैं स्टडी विद एमएस चैनल। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट आपको इसी चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं बिहार एसएससी एग्जाम को लेकर बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं कि आगे इसके एग्जाम कब होंगे। तो आप लोग जानते हैं कि इस एग्जाम में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। पहले आप लोग जानते थे कि बिहार एसएससी के एग्जाम ऑफलाइन स्तर पे होते थे। 2014 में भर्ती आई थी जिसमें क्वेश्चन पेपर आउट हो गए थे, फिर दोबारा एग्जाम हुआ उसमें भी क्वेश्चन पेपर आउट हुए थे, पर कुछ बोर्ड की तरफ से नहीं किया गया। तो अब बोर्ड यहाँ पे सतर्कता दिखाते हुए एग्जाम को ऑनलाइन करने की घोषणा कर दी गई है यहाँ पे। और आप लोग जानते हैं कि बिहार एसएससी के एग्जाम ऑनलाइन आयोजित होंगे, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। तो अब इसमें आप लोग जानते हैं कि अभी लगातार यहाँ पे आप बात करें नवंबर से ही रेलवे के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, उसके बाद फिर लगातार आगे अभी रेलवे के एग्जाम चलते रहेंगे, क्योंकि सीट भी तो जगह भी तो होनी चाहिए तभी तो, क्योंकि ये बिहार लेवल का एग्जाम है तो बिहार में सीट भी जगह भी मिलनी चाहिए ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम करवाने के लिए, क्योंकि ऑफलाइन तो है नहीं कि किसी भी स्कूल कॉलेज को बुक कर दिया जाए और एग्जाम वहाँ पे आयोजित हो जाएंगे। अब यहाँ पे वही सेंटर खोले जाएंगे जहाँ पे कंप्यूटर की सुविधाएं हो, जो ट्रस्टेड हो, जहाँ से क्वेश्चन पेपर आउट होने की संभावना या फिर सेटिंग वगैरह ना हो। तो बोर्ड इन सभी चीजों को ध्यान रखते हुए ऐसे सेंटरों के तलाश में है। तो ये आप लोग जानते हैं कि अभी रेलवे के एग्जाम लगातार होने वाले हैं, तो ये सब एग्जाम समाप्त होने के बाद हमें लगता है, जहां तक इंटरनल अपडेट है, कि फरवरी में आपके ये एग्जाम आयोजित हो सकते हैं। बिहार एसएससी 10+2 लेवल के एग्जाम फरवरी में आपके एग्जाम आयोजित होने की संभावना बहुत प्रबल है, और आप लोग मान भी चल सकते हैं कि फरवरी में आपके एग्जाम आयोजित हो जाएंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते रहे। अभी हमें पता है कि आप लोग रेलवे में कन्फ्यूज है कि रेलवे की तैयारी करें या फिर आपका अभी बीपीएससी भी हो सकते हैं, बीपीएससी की तैयारी आप लोग कर रहे होंगे, बीपीएससी में फंसे हुए हैं, उसके भी एग्जाम होने वाले हैं दिसंबर में, साथ ही साथ आपके बिहार एसएससी के भी एग्जाम होंगे। तो आखिर तैयारी किस चीज में करें, कैसे करें, आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज हो गए होंगे। तो भाई मेरे, आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, आप लोग अपने सिलेबस से फोकस करें। मैथ आपको जो अर्थमेटिक पढ़ना है वो सभी में बिल्कुल सेम है, कहीं पर भी कोई अंतर नहीं है। रीजनिंग जो आपको यहाँ पढ़ना है वही सभी में पढ़ना है, तो रीजनिंग भी आपके बिल्कुल सही है, एक ही चीज में दोनों काम हो जाएंगे। करंट पढ़ना है, जीके जीएस सभी का समान है, तो बस सबके सिलेबस सेम है, तो टेंशन क्या बात है। इसी प्रकार से आप लोग तैयारी करते रहें और आप बेहतर कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे नए अपडेट के साथ। तब तक धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।